नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर के आज के अंक में और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। देश देशांतर के आज के अंक में हम बात करेंगे उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वे रिपोर्ट 2019-20 जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार बीते 5 सालों में यानी कि 2015-16 से 2019-20 के दौरान उच्च शिक्षा में छात्राओं का जो इनरोलमेंट है वो 18.2% बढ़ा है। वहीं इस दौरान छात्रों के नामांकन में 11.4% की बढ़ोतरी हुई है। साल 2015-16 में जहां 15,90,000 से ज़्यादा छात्राओं ने उच्च शिक्षा में एडमिशन कराया था, वहीं साल 2019-20 में ये आंकड़ा बढ़कर 1,88,00,000 के पार चला गया। रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता सूचकांक में भी बेहद अच्छा सुधार देखने को मिला है। लड़कों की तुलना में लड़कियों तक उच्च शिक्षा की जो पहुंच है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ी है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि साल 2019-20 में उच्च शिक्षा में 3,85,00,000 छात्रों ने नामांकन कराया था, जो कि 2018-19 में 3,74,00,000 और 2014-15 में 3,42,00,000 था। यानी कि इस दौरान कुल नामांकन में 3.4% की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई। वहीं 2019-20 में पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या जो है वो लगभग 2.3 लाख थी, लेकिन 2014-15 में ये आंकड़ा मात्र 1.17 लाख था। इसमें भी जो है इजाफा हुआ है। इसके अलावा देश में उच्च शिक्षा में जो GER है यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, उसका अनुपात बढ़कर 27.1% हो गया है, जो कि पिछले साल 26.3% था। हालांकि इसमें मामूली जो है वो बढ़त दर्ज की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय महत्व के जो संस्थान हैं उसमें भी वृद्धि हुई है तकरीबन 80% की। उच्च शिक्षा विभाग हर साल ये रिपोर्ट जारी करता है और इसी कड़ी में अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण की ये लगातार 10वीं रिपोर्ट है। देश देशांतर के आज के अंक में हम उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वे रिपोर्ट के नतीजों और उससे जुड़े हर पहलू पर विस्तार से बातचीत करेंगे अपने दो बेहद खास मेहमानों से। आइए मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। प्रोफेसर एम जगदीश कुमार हैं, वाइस चांसलर हैं आप JNU। स्वागत है सर आपका संसद टीवी में। नमस्ते। साथ ही डॉक्टर नीना सिन्हा हैं, आप प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज GGSIPU। आप दोनों का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत प्रोफेसर जगदीश मैं आपसे करना चाहूंगी। ये जो रिपोर्ट है और इसकी ये जो आंकड़े हैं उच्च शिक्षा में, खासकर अगर महिलाओं की लड़कियों की जो भागीदारी की हम बात कर रहे हैं, प्रतिशत जो है 18.2% का इजाफा, ये क्या संकेत दे रहा है? The report that was released a few days ago about the higher education and also the enrollment of the female students in higher education, it's a very, very welcome report, because in terms of the enrollment of the female students at the university level and college level, the report clearly indicates that there is a great improvement in terms of attracting more female students into higher education. Today, the report says that we have nearly 49% of the total enrolled students in the universities and colleges, which augurs very well for our higher education. And this has happened for various reasons. Of course, we have several schemes that have been implemented by both the central government as well as the state government. But more importantly, there is a socio-cultural change in our country, where the families are putting more emphasis on educating the girl child. And that is the reason why I think the female enrollment is going up in the higher educational institutes, which I think is a very, very welcome development. रिपोर्ट बहुत ही सकारात्मक जो है वो संकेत देते हुए, और डॉक्टर नीना सिन्हा, जिस तरह की रिपोर्ट में बताया गया कि अगर हम उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी की बात करें, हमने देखा पिछले 5 सालों में काफ़ी अच्छा इजाफा दर्ज किया गया है 18.2% के साथ। अगर हम बात करें तमाम वो योजनाएं, वो कारण, वो फैक्टर्स जो इस
वृद्धि को, इस प्रतिशत को दर्शाते हैं, तो उसमें आप किसे शामिल करना चाहेंगी? जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल है, अगर हम पिछले 5 सालों को देखें तो एक्चुअली हमें 5 साल का नहीं, हमें तो एक बड़े परिपेक्ष में इसको देखना पड़ेगा। और हमें ये देखना है कि जो सरकार की स्कीम्स हैं, फॉर एग्जांपल एक स्कीम थी कम्युनिटी कॉलेज, है ना। अब विमेन एम्पावरमेंट और विमेन एजुकेशन की हम बात करते हैं तो हमें उसको कहीं ना कहीं स्किल से भी लिंक करना पड़ेगा। तो कम्युनिटी कॉलेज है, बी वॉक है, एम वॉक है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भारत सरकार के मतलब डिफरेंट जो स्कीम्स थी उसकी वजह से शुरू हुए, और उन प्रोग्राम्स में विमेन की भागीदारी भी है, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि मोर एंड मोर विमेन आर नाउ एंटरिंग। एंड उसके अलावा अगर आप देखा जाए तो समाज की बात की प्रोफेसर जगदीश कुमार जी ने बात की कि समाज में परिवर्तन हुआ है एंड देर हैज बीन सम मेजर सोशियो कल्चरल चेंज। सो इफ यू टॉक अबाउट द चेंज देन यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट कि हमारा जो डिजिटल डिवाइड था, है ना, वो डिजिटल डिवाइड भी काफी कम हुआ है, और कहीं ना कहीं जो भारत सरकार की जो डिजिटाइजेशन की स्कीम थी पेंडेमिक के समय में, हमने खास रूप से देखा है कि लोग मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से मोर एंड मोर विमेन आर एबल टू यू नो एंटर दिस रियल्म ऑफ हायर एजुकेशन। लेकिन उसके अलावा हमारी जो बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे कि हमारी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, अकेडमीज हैं, जैसे नासी है और इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस है, तो इन लोगों ने भी 2010-12 से इन्होंने अपना एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की बात की, और ये बात की कि कैसे साइंटिफिक फील्ड में भी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में आए। तो मुझे लगता है ये सभी बहुत सकारात्मक कदम हुए। जी बिल्कुल, ये सकारात्मक कदम और जो जिस तरह की पॉलिसी रही और जिस तरीके से लोगों में अवेयरनेस, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, शैक्षणिक स्तर पर हो, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती हैं जब इस तरीके के जो आंकड़े हैं सामने आते हैं, उत्साहवर्धक। प्रोफेसर जगदीश, इसके साथ ही हमने ये देखा है कि उच्च शिक्षा की ओर लोगों का, चाहे वो छात्र हों या छात्राएं हों, उनका रुझान पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ा है। कुछ ट्रेडिशनल जो चीज़ें थीं उनको ब्रेक करके अब लोग कई तरह की जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें भी अपना भविष्य, अपना करियर देख रहे हैं। ये जो चेंज, ये शिफ्ट आप देख रहे हैं, उसके पीछे मुख्य वजह क्या रही? See, there are greater opportunities for whether it is a male student or female student. Now, earlier in olden days, it used to be a dream for people to join either in a medical profession or in an engineering college. But today, there are so many opportunities. One can become, a communication specialist or a media expert, or they can do studies in social sciences and humanities. So there are more opportunities now. And that is the reason why more female students are coming into the higher education. But let me also add here, we often talk about the gross enrollment ratio. Currently, it's about 27.1. Around that percent. But what we should be talking about is the eligibility enrollment ratio, meaning that let us say in the age group of 18 to 23, there are a certain number of students who have passed class 12. And then how many of them have actually joined in higher education, in undergraduate program? So this ratio is called the eligibility enrollment ratio. Now, if you look at this ratio in advanced countries such as USA, it's about 66%, meaning that, out of every 3 eligible candidates who can join in higher educational institutes, 2 will join in the higher educational institutes. Now, when you look at India, even though it is such a huge country with such huge population, our eligibility enrollment ratio is no less. It is close to about 66 to 67%. But now, if you look at the absolute numbers,
of students who are eligible and then joining in the higher educational institutes. In US, it's only about 2.1 million or so. But in India, it's more than a million students who join in the undergraduate programs. It could be humanities, the social sciences, engineering, law, medicine, and so on. So if you look at the scale and magnitude at which we are handling our educational system in India, it is enormous. And because the numbers are so large, and 49% of them are female students. So if you see in absolute numbers, the number of female students whom we are educating and providing skills in our country far out, it is much beyond who are provided higher education in other advanced countries. But having said that, let me also point out that we need to get more female students in professional programs because this higher educational report also says that in institutes of national importance, such as IITs, IISc, and other places, the number of female students is still less. It's roughly about 10 to 12%, because I come from the IIT system. I know how many female students are there at IIT Delhi, for example. So we need to increase this number. And that is the reason why the Ministry of Education has come up with a scheme of supernumerary seats in engineering program, so that you can admit at least up to 14% of female students over and above the existing seats in these institutes. So while on one hand, we see that a lot of female students are coming into higher educational institutes, I also feel that we need to do even more than what we are doing today to bring in more female students into the professional institutes and institutes of national importance also. जी, जी बिल्कुल डॉक्टर नीना, जो बातें प्रोफेसर जगदीश कह रहे थे और जो बातें उन्होंने रखी कि जो आंकड़े हैं और जो चीज़ें हमें दिख रही हैं कि उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, प्रोफेशनल एजुकेशन में या तकनीकी शिक्षा में भी उसको उसी गति से बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, उसके लिए वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो माहौल है वो सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की ज़रूरत है। इस लिहाज से अगर हम बात करें तो आप क्या मानती हैं, अभी कहाँ और काम किए जाने की ज़रूरत है? जहाँ तक तकनीकी शिक्षा का सवाल है, टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन का सवाल है, यस, अभी भी वहाँ पर प्रॉब्ली हमारे नंबर्स बहुत कम हैं। इनफैक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पॉलीमर साइंस और इस तरह के फील्ड्स में तो आपको बहुत कम लड़कियां मिलेंगी जो कि एडमिशन्स लेती हैं। अभी भी कंप्यूटर साइंस एक प्रिफर्ड ब्रांच है ना, तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा विमेन नहीं आ रही हैं स्टेम, जो हम कहते हैं ना साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, तो स्टेम एजुकेशन में अभी भी महिलाओं की भागीदारी काफ़ी कम है। और जहाँ तक हम भागीदारी की बात करते हैं तो मुझे लगता है ऊपर से भी कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोफेसर जगदीश ने बात की कि वो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस से आते हैं, तो अगर हम देखें तो IITs जो है उनमें आज भी विमेन डायरेक्टर्स नहीं हैं, और IIMs में अभी कुछ ही दिनों में कुछ महिला डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है, NITs की भी वही स्थिति है। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो है वो पूरे एक सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, और विमेन का पार्टिसिपेशन ऊपर से भी बढ़ना चाहिए, यानी कि लीडरशिप भी विमेन को मिलनी चाहिए, और जब उनको विमेन को लीडरशिप मिलेगी तो शायद वो कुछ ज़्यादा पहल करें अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, शायद वो गांव में जाएं, शायद वो तकनीक का इस्तेमाल करें लोगों को एड्रेस करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए कि वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आएं। जी प्रोफेसर जगदीश, डॉक्टर नीना जिस बात का जिक्र कर रही थीं कि प्रोफेशनल और तकनीकी शिक्षा में वेमेंस के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए वो ऊपर से लेकर नीचे तक जिस तरीके की बातें कर रही थी कि इसे बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, उसके लिए क्या स्टेप उठाए जाने की ज़रूरत है, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि वो कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो ज़रूरी हैं ताकि हम इस क्षेत्र में भी खासकर महिलाओं की अगर हम बात कर रहे हैं इस संख्या को बढ़ा सके।
देखिए, we need to create more awareness because today, if you look at the top leaders in ISRO, for example, they are all female scientists. And if you look at the development of vaccines in our country, the co-vaccine that is Covishield vaccine that is developed by one of our former students from JNU. She did her PhD in School of Life Sciences. So we do have leaders, but then we need to create more awareness, because when it comes to science and technology, there is no difference between either it is a female or male. Anybody can excel in these areas. And if such an awareness can be created right from the school level, and one way, as my co-panelist has mentioned, that some of these leaders, be it in science and technology, be it in banking, or media and in other areas, if they can go to the school level, town level, schools, and interact with those kids and create this awareness that there are so many opportunities, and anybody who works hard can actually reach the top positions, as we have been seeing in many areas in our own country. I think that awareness will bring more change in our country. Dr. Neena, जब हम बात कर रहे हैं, चूंकि हमने देखा कि पिछले अगर हम सालों नहीं दशकों की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, और ये परिवर्तन हमें 5-6 सालों में और ज़्यादा दिख रहा है, चाहे हम बेसिक एजुकेशन की बात करें या उच्च शिक्षा की बात करें। सकारात्मक संकेत हमें दिख रहे हैं, जो ग्राफ है वो ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिस तरीके के उसे लाया गया और जिस तरीके से उसे फ्रेम किया गया है, कितना इम्पोर्टेंट आप मानती हैं जो शिक्षा को लेकर सरकार ने लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं उसे फुलफिल करने के लिए? देखिए, नई शिक्षा नीति का जहां तक सवाल है, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट जो बिंदु है वो है क्रिएशन ऑफ जेंडर इंक्लूजन फंड, यानी कि महिलाओं की शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, उनका एनरोलमेंट बढ़ाया जाए। उसके लिए ये एक बहुत सार्थक प्रयास है, जिसमें कि सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे भी सरकार आर्थिक सहायता देगी। तो अभी तो ये हमें देखना है कि आगे ये किस तरह से इस नीति को क्रियान्वयन, मतलब हाउ डू वी इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी, बट मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत सार्थक एक पहल है। उसी तरह से अगर हम देखें, नीति आयोग को देखें अगर, तो नीति आयोग ने भी एक विमेन, जिनको कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स, के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जिसमें कि उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को वो शेयर करेंगे। और देखा जाए तो जहाँ तक ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें तो जेंडर रेशियो कम है ही, बट अगर आप देखें कि इनमें से जो एंटरप्रेन्योर्स निकल रहे हैं, है ना, कुछ लोग तो नौकरी करने के लिए उन्हें अच्छे प्रयास, अच्छे मौके मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो एंटरप्रेन्योर्स हो रहे हैं, बहुत स्टार्टअप हो रहे हैं। खासतौर से IIT दिल्ली काफी अच्छा काम कर रहा है इस दिशा में, लेकिन वहां पे भी अगर आप देखें तो कितनी ऐसी महिला छात्राएं हैं, हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट्स आर एक्चुअली कमिंग अप विद टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्टार्टअप्स, मतलब वो कर रही है, अच्छा काम कर रही है, फैशन के क्षेत्र में कर रही है, डिजाइन के क्षेत्र में कर रही है, और प्रमोशन ऑफ ट्राइबल आर्ट्स है, कल्चर है, वो सब बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन जहां तक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एंटरप्रेन्योरशिप है, वहां पे भी शायद हमें कुछ और कदम लेने की जरूरत है। जी बिल्कुल, और इसे इसके इजाफा के लिए जैसा कि प्रोफेसर जगदीश भी कह रहे थे कि अवेयरनेस बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, और लगातार जो है सरकार इस दिशा में कोशिश भी कर रही है। प्रोफेसर जगदीश, अगर मैं, चूंकि जिस तरीके से हमारा ग्राफ जो है वो ऊपर उठ रहा है, वो निश्चित रूप से एक पॉजिटिव संकेत है, लेकिन अगर मैं इसमें हर्डल्स की बात करूँ या चुनौतियों की बात करूँ, बहुत अच्छे पदों पर, चाहे तकनीकी हो या प्रोफेशनल या उच्च शिक्षा, महिलाएं हैं, लेकिन अभी भी वो स्तर जो हम चाहते हैं या जो हमने टारगेट किया हुआ है उससे थोड़ा पीछे हैं, वो हर्डल्स या वो चुनौतियां आप क्या मान रही हैं जिसकी वजह से टारगेट अचीव करने में दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, हायर एजुकेशन जो है टॉप ऑफ द पिरामिड है, और
हायर एजुकेशन में रफली 38 मिलियन स्टूडेंट्स हैं हमारा देश में जी, लेकिन व्हेन यू गो डाउन आप स्कूल लेवल तक आप गए तो आपको बहुत ज्यादा लोग टू अबाउट 300 मिलियन स्टूडेंट्स राइट फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12. तो हम ये बुनियादी जो है इसको हम स्ट्रांग करना चाहिए पहले जी. ए बुनियादी को स्ट्रांग करे तो आप इससे ए फीमेल स्टूडेंट्स जो स्कूल्स में हैं अब इनसे अच्छे लोग जो क्रिएटिव लोग हैं जो एक्सेप्शनल लोग हैं वो टॉप में आ जाएगा. सो इसीलिए ए जेंडर इंक्लूजन फंड जो है एजुकेशन तो स्टेट का सब्जेक्ट है जी. लेकिन ए जेंडर इंक्लूजन फंड से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को फंड देगा और ए फंड को यूज करके जो सोशियो इकोनॉमिक हर्डल्स जो है लोकली विलेजेस में टाउन्स में, देखिए एक स्कूल को जाना है तो 5 किलोमीटर दूर है तो एक फीमेल स्टूडेंट कैसे जाएगा. कुछ सुविधा इसको करना चाहिए और स्कूल्स में हाइजीन के लिए कुछ सुविधा करना चाहिए. फीमेल स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत है तो ऐसे फंड क्रिएट करके हमको लगेगा ये छोटा विषय, लेकिन स्टूडेंट को ये छोटा विषय नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है. एक्सेस टू ए स्कूल, हाइजीन एंड देन सम काइंड ऑफ मेंटरशिप. सी विलेज एंड टाउन्स में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इनके पास जो हमारा सिटीज में है वो सुविधा नहीं है. उसके लिए पहले हम टाउन लेवल विलेज लेवल स्कूल्स में हम अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना चाहिए और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को उधर पहुंचना चाहिए, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को अवेलेबिलिटी करना चाहिए. तो ये बुनियादी को स्ट्रांग करे तो ये मेरा बिलीफ है कि आगे 5 और 10 साल में बहुत फीमेल स्टूडेंट्स ने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में शाइन हो जाएगा. इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया और जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होगा धीरे धीरे 1-2-3 साल में डेफिनेटली आगे समय में वी विल सी मेनी मोर इम्प्रूवमेंट्स इन टर्म्स ऑफ द फीमेल एनरोलमेंट इन द हायर एजुकेशन. जी बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचा है दूर दराज के इलाकों में, गांव में, वहां पर इसे मजबूत किए जाने की बेहद ज़रूरत है. डॉक्टर नीना, चूंकि कार्यक्रम अपने अंतिम चरणों में है, मैं चाहूंगी क्लोजिंग कमेंट के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम देंगे. बुनियादी ढांचे के विकास की हम बात कर रहे हैं, शिक्षा के निचले स्तर पर भी घर परिवार समाज और दूर दराज के इलाकों में भी वो अवेयरनेस, वो जागरूकता और वो ढांचागत सुविधाएं मुहैया कराना कितना ज़रूरी है जब हम ऊपरी लेवल पे जिन टारगेट्स की हम बात कर रहे थे अचीव करने की बात करते हैं. दूर संचार के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है पिछले 20-30 सालों में, उससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि गांव-गांव तक कोई अगर अच्छा शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने का संदेश हम पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचा सकते हैं. और सोशल मीडिया एक अपने आप में एक नया जरिया बन गया है, क्योंकि बहुत सारे यूथ जो है वो सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं. तो हम कितना इफेक्टिवली सोशल मीडिया को यूज़ कर सकेंगे, कितना इफेक्टिवली हम ग्राम पंचायत और जो भी निचले स्तर पे जो भी संस्थागत हमारा ढांचा है उसको मजबूती देंगे, उसको हम सशक्त करेंगे कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़िया से बढ़िया बनाए और डिजिटाइजेशन की मदद से हम अपने सबके लिए शिक्षा और ख़ासतौर से महिलाओं के लिए शिक्षा का लक्ष्य पूरा करें, इसी कामना मैं रखती हूँ. जी बिल्कुल, उच्च शिक्षा में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है, भागीदारी है, वो बढ़ रही है. और जो रिपोर्ट आई है उच्च शिक्षा को लेकर, अखिल भारतीय सर्वे रिपोर्ट 2019-20, उसके आंकड़े बेहद उत्साहजनक है. ओवरऑल भी हमने देखा है एनरोलमेंट पे जो है वो वृद्धि हुई है, लेकिन जो टारगेट जिसको अचीव करने की बात हम कर रहे हैं, और जैसा कि प्रोफेसर जगदीश और डॉक्टर नीना ने भी कहा, बुनियादी ढांचे पर ढांचागत मजबूती, उसके विकास और उस स्तर पर अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है. आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए. तो इसी के साथ देश देशांतर के आज के अंक में इतना ही. दीजिए इजाज़त. नमस्कार.